दिस इज प्रदीप मोरा फ्रॉम राइट इन्फो क्लब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHAU वेसी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के बारे में, यानी कि BHAU के वेसी नर्सिंग के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2021 सेशन के लिए कब आएगा, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब रिलीज होगा और इसकी फीस क्या रहेगी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा 2021 सेशन के लिए, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, फी, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको इस वीडियो से हेल्प मिलने वाली है। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइट इन्फो क्लब, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, देन बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी और एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। चलिए तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। देखिए, अगर आप BSc नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, यानी कि इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है फॉर एडमिशन इन BSc नर्सिंग इन BSU, राइट। और इसमें फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स और नॉट एलिजिबल फॉर BSc नर्सिंग कोर्स, यानी कि जो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज की बात की जाए तो BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स यानी कि 17 वर्ष होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आपने 10+2 कंप्लीट कर लिया है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। मार्क्स की बात करते हैं तो 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम आपके 50% अंक होने चाहिए। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप OBC, ST या फिर SC के कैंडिडेट्स हैं तो आपके मिनिमम 40% मार्क्स होना कंपलसरी है, राइट। और इसमें अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी वे स्टूडेंट जो 2021 में 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो हमने एलिजिबिलिटी कंडीशंस डिस्कस कर ली हैं। चले अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, देन बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज डेट की। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है। ड्यूरेशन की बात की जाए तो इस पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, यानी कि 2 आवर्स मिलते हैं फॉर सॉल्विंग पेपर, राइट। सेक्शंस की बात की जाए, यानी कि जो क्वेश्चन है किस किस सेक्शन से पूछे आते हैं, तो फिजिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे आते हैं, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन और जूलॉजी से 25 क्वेश्चन और बॉटनी से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम के टाइप की बात की जाए तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको दिखने मिलते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं तो इसमें यदि आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको उसका एक अंक मिलेगा, राइट। यानी कि 1 क्वेश्चन करेक्ट होने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, राइट। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं कटेगा, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फॉर इज इनकरेक्ट आंसर देयर विल बी नो डिडक्शन ऑफ मार्क्स, राइट। एक्स्ट्रा कोई मार्क्स नहीं कटेगा, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमने एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि BHAU बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2021 कब तक आएगा, यानी कि इसकी रिलीज डेट क्या है, क्या ऑफिशियली अभी तक अनाउंस्ड हो चुकी है या फिर नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि अभी ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है 2021 के लिए, राइट। तो एक एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये अप्रैल के सेकेंड वीक में आ सकता है, यानी सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2021, राइट। अप्रैल के सेकेंड वीक में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, इट इज़ नॉट ऑफिशियली, इट इज़ ओनली एक्सपेक्टेड। जैसे ही कोई ऑफिशियली इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे ही कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन आता है, उसका अपडेट आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप BHAU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको न्यू अपडेट मिल जाएगा। तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप BHAU की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें, जिससे आपको करंट टाइम का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए, आपको करंट टाइम का अपडेट मिल जाए, राइट। अगर आप BSc नर्सिंग एंड अदर मेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद
ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, राइट। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आवेदन पत्र है 2021 के लिए, ये अप्रैल के सेकेंड वीक में आ सकता है या फिर थर्ड वीक में, ठीक है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी के बारे में। तो जो जनरल या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उनको 1,000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी देनी होगी, यानी कि 1,000 रुपीज़ पे करने होंगे, राइट। जो एससी या फिर एसटी या फिर पीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनको 750 रुपये यानी कि 750 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी के लिए, राइट। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी फॉर बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड डेट की, तो अप्रैल में आपका आ सकता है एप्लीकेशन फॉर्म, अप्रैल के लास्ट वीक तक भी आ सकता है, अप्रैल के सेकेंड वीक से लगा करके थर्ड और लास्ट वीक, यानी कि अप्रैल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है। 80-90% चांस है, और डिपेंड करता है बीएचयू पर कि वो बीएचयू कब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करती है, राइट। तो आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए, जिससे आपको करंट टाइप का अपडेट मिलता रहे, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन वाला आइकॉन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियोस के लिए, वो तो आप समझ ही रहे हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप इट अप, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।